डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी महामारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ओखला इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि मध्य जोन की चेयरपर्सन पूनम भाटी, साथ ही आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश भदुड़ी समेत तमाम क्षेत्र के RW के लोग थे, जिनको कि जागरूक किया गया कि किस तरीके से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी महामारी से लड़ा जा सकता है। बदलते मौसम के दौरान इन बीमारियों का खतरा भी लोगों के अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ये जागरूक कार्यक्रम ओखला इलाके में किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के ओखला इलाके की, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रमेश जी, जो आज कार्यक्रम किया गया MCD द्वारा और वार्ड मेंबरों द्वारा, क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसे अवेयरनेस फैलाई जा रही है? लास्ट ईयर हमारे लिए कोरोना से भी घातक बीमारी, उस समय पहले डेंगू प्रचलित थी दिल्ली में। लास्ट ईयर भी दिल्ली MCD ने, साउथ MCD और तीनों MCDओं ने इसमें इनिशिएटिव लेकर प्रयास करके और कोरोना जैसी घातक बीमारी जो डेंगू हुआ करती थी उस पर काबू पाया गया था। MCD के ही अवेयरनेस कैंप द्वारा से यहाँ पर अभी सेंट्रल जोन का माध्यम से आज ये कैंप रखा हुआ है कि लोगों को जागरूक किया जाए और डेंगू और चिकनगुनिया से कैसे बचा जाए, मलेरिया से। उसके ही रेजिडेंशियल वेलफेयर स्टेशन के लोग, इलाके के और जनमानस को बुलाकर अवेयरनेस कैंप के रूप में उनकी नाट्य प्रस्तुति के कारण द्वारा भी और अन्य प्रयास करने के बाद कि डेंगू से अगर हम लोग थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, जैसे कोरोना से 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसी प्रकार से डेंगू के बारे में भी हम छोटे मोटे बर्तनों में जो पानी हमारे में कूड़ा रह जाता है, गमलों में पानी रह जाता है, साफ पानी में डेंगू का मच्छर लार्वा बनाता है, हम पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, कूलरों में पानी नहीं बदल पाते हैं किसी कारण से, टंकी भर के रख लेते हैं कभी चिंता करते हुए कि पानी आएगा नहीं आएगा, दिल्ली में पानी की शॉर्टेज है, उसके कारण से एक इस प्रकार का कैंप का आयोजन साउथ MCD के माध्यम से किया गया। तो आम जनता भी लगातार सहयोग कर रही है, किस तरह से उनकी तरफ से प्रतिक्रिया मिली? आम जनता का ही सहयोग MCD को रहा था कि पिछले साल हम डेंगू और चिकनगुनिया पर काबू करने में कामयाब हो गए थे जी। मगर एक तरफ आम जनता इसी प्रकार का सहयोग कर रही है, मगर एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि डेंगू तो उन्होंने भगाया। देखो, मुख्यमंत्री की तो आदत है कि उनको मालूम है कि TV पे बोलेगा MCD के पास पैसा है नहीं, MCD को पैसा देते नहीं है, लेकिन दिल्ली का जनमानस जानता है कि मलेरिया डिपार्टमेंट किस विभाग के अंदर आता है। मुख्यमंत्री का कोई लेने देना नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो पिछली बार उनको फंड ही नहीं दिया, 17 करोड़ रुपया देना था जो मलेरिया का जी, इस बार भी नहीं देगा मुख्यमंत्री, मुझे मालूम है किसी भी सूरत में, कि विभाग में पैसा दे दिया जाए तो उस पैसे से विकास का काम हो जाए। तो मुख्यमंत्री की तो आदत है कि केवल एक्सपो जो धीरे धीरे हो भी रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आए थे, अब भ्रष्टाचार में उनके अपने सगे साड़ू जेल चले गए, भ्रष्टाचार में 4-4 विधायक जेल चले गए उनके, ये किसी छुपा हुआ नहीं। आज SDM ऑफिस में चले जाइए, भ्रष्टाचार का अड्डा मिलेगा आपको जी। आप लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में चले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ही नहीं सकते भ्रष्टाचार की भी। कोई काम अगर दिल्ली सरकार में बगैर भ्रष्टाचार के होता ही नहीं। मैं आपके माध्यम के चैनल से बताना चाहूंगी, आज सेंट्रल जोन में हमने डेंगू मलेरिया को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। हमारे सेंट्रल जोन में 26 वार्ड आते हैं और ये 26 वार्डों का प्रोग्राम था। इसमें जितने भी हमारे RWA के लोग हैं उनको सभी को हम लोगों ने यहाँ पर आमंत्रित किया था और एक जागरूकता ताकि सभी लोगों में पहुँच सके, सभी लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है, आपने देखा होगा, ऐसे में ही बीमारियाँ भी पलपती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि आज हमारा देश पूरा कोरोना जैसी बीमारी से तो जूझ ही रहा है, तो हम लोग उसमें चाह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बीमारी भी कहीं ना कहीं आ जाए, तो उसी के बचाव के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हमने उसी के तहत ये प्रोग्राम करा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रोग्राम में जागरूक करा है ताकि वो अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का यहाँ पे बचाव कर सके। और अभी किस तरह से जागरूकता फैलाएंगे और लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं, लोग बहुत अच्छे से, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने 26 वार्डों के सभी MIOs का, अपने हमारे जो DVC वर्कर हैं उनका, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और DHO DC सभी का, और हमारे आज बीच में आज हमारे सांसद जी भी आए, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, और हमारे ज़्यादातर पार्षद इस प्रोग्राम में यहाँ पर आए, आपने देखा भी होगा, तो सभी पार्षदों ने मिलकर आज जागरूकता होने के लिए यहाँ पर एक एक व्यक्ति से अपील की है हमने, और आज जिस तरीके से आपने देखा होगा नाटक के माध्यम से और हमने एक पिक्चर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, ताकि और उनसे निवेदन किया है कि वो अपने वार्डों में जाकर हर जगह कहीं ना कहीं वो लोग जैसे बैठते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक में, पार्क में जाते हैं या इवनिंग में पार्क में जाते हैं या गली मोहल्लों में कहीं पर भी वो बैठते हैं, अपनी RWA की मीटिंग करते हैं, आस पड़ोस में लोगों को जागरूक करें
कि आप लोग इस बीमारी से ज्यादा बचें, किस तरीके से बच सकते हैं इसके बारे में हमने बताया। आप देखेंगे हमने यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई है कि कैसे कैसे मच्छर होते हैं, किस किस जगह हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमने लोगों को जागरूक किया है।